हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। यहाँ पर और यहाँ पर 10 सेंटेंसेज हैं, काफ़ी यूजफुल होंगे और इसके साथ साथ आपको मैं रूल्स भी साथ में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो फिर ये वीडियो तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। आपका है यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग गिवन रीजन फॉर योर करेक्शन, यानी यहाँ पर 10 सेंटेंसेज लिखे हैं और ये सारे के सारे सेंटेंसेज हैं ना रॉन्ग हैं और आपको इसे करेक्ट करना है, लेकिन बताना होगा रीजन भी बताएंगे और आप पे कमेंट करते जाइए साथ में और बताते चलिए। चलिए स्टार्ट करते। पहला सेंटेंस है अलेक्जेंड्रिया इज स्मॉलर फ्रॉम सैरो। तो क्या होगा यहाँ पर देखें, स्मॉलर आपका कंपेरेटिव डिग्री है और इसके बाद प्रपोजिशन यूज किया जाता है देन। तो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा यहाँ पर देन। सेकेंड है न्यूयॉर्क इज द लार्जर सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव का यूज किया जाता है, लेकिन सेकेंड कंडीशन एक और है कि जब बात दो की हो रही हो, टू की, तो दा के बाद कंपेरेटिव का ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द बेटर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल। ओके, तो यहाँ पर देखें हम, तो ही इज दा के बाद आप कंपेरेटिव का यूज सामान्यता यूज नहीं होगा, लेकिन जब बात हो रही हो टू की, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये काफ़ी यूजफुल रूल होगा, पिछले वीडियो में आप देख के उसे समझ सकते हैं। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल, यहाँ पर होगा सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज आर्टिकल दा के बाद सुपरलेटिव का यूज सामान्यता किया जाता है। नेक्स्ट है जॉन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। ओके, तो इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक हुई आपको बता दूं कि ये जो एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग आपका वन सिलेबी वर्ड है और वन सिलेबी वर्ड का जब हम डिग्री बनाते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव तो मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते, बिकॉज जब टू या दो से ज़्यादा सिलेबीज वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में मोर और मोस्ट के प्रयोग किए जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप स्ट्रॉन्गर ER लगा के मोर का यूज नहीं करें, तो यहाँ से मोर को अमिट कर देते हैं और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। तो क्या हो गया सेंटेंस, जॉन इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट है माई हैंड राइटिंग इज मोर बैड देन माई सिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है आप कमेंट करते जाइए, बताते भी जाइए साथ में। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है आप देखें, एडजेक्टिव लिखा हुआ है जो बैड आपका एडजेक्टिव है, आगे इसके बाद लगा है देन, यानी कि देन प्रपोजिशन का यूज हो गया, तो इसको बनाना होगा हमें कंपेरेटिव डिग्री में, लेकिन बैड का कंपेरेटिव होता है वर्स, नॉट मोर बैड। अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में बताया है आपको कि जब भी वन सिलेबी वर्ड हो तो उसमें ER और EST लगा के ही कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव्स बनाए जाते हैं। मोर और मोस्ट तब लगाए जाएंगे जब दो या दो से ज़्यादा सिलेबी वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ से मोर को हटा देते हैं और बैड को बना देंगे वर्स। तो सेंटेंस हो जाएगा माई हैंड राइटिंग इज वर्स देन माई सिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है विच इज द हैवीएस्ट यू और आई। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब बात हो रही हो दो की टू की, तो दा के बाद आप कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करें ना कि किसका सुपरलेटिव का। तो यहाँ पर हो जाएगा विच इज द हैवियर यू और आई। ओके, तो अभी मैंने पीछे ही बताया है कि जब दो की बात हो रही हो टू की, तो दा के बाद हमेशा कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस सेवन है आपका विच ऑफ दीज थ्री गर्ल्स इज द एल्डर। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि दो के लिए आप कंपेरेटिव का यूज करें ना कि थ्री के लिए। यदि दो से थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, कितने भी हों, तो आप दा के बाद कंपेरेटिव का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर यूज करेंगे फिर सुपरलेटिव का। तो ये सेंटेंस इस तरह से रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस हो रहा विच ऑफ दीज थ्री गर्ल्स इज द एल्डेस्ट। ओके, नेक्स्ट है दिस बॉयज मैनर्स आर गुड मोर देन हिज ब्रदर्स। तो यहां पर देखें यहां पर मिस्टेक हुई, यहां पर जो एडजेक्टिव है हमारा मोर गुड आपका वन सिलेबी वर्ड है और इसे मोर और मोस्ट लगा के हम कंपेरेटिव नहीं बना सकते, तो आगे लगा हुआ है देन और कंपेरियन हो रहा है उसके भाई से, तो इसे बनाना है हमें कंपेरेटिव डिग्री में, और तो मोर को अमिट कर देते यहाँ से और गुड का कंपेरेटिव हो जाएगा बेटर। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस बॉयज मैनर्स आर बेटर देन इज ब्रदर्स।
सेंटेंस आपका सही 9 नंबर का है, विच ऑफ द गर्ल्स इज द टॉलर इन द क्लास, विच ऑफ द गर्ल्स इज द टॉलर इन द क्लास। अब यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल है ना कि टू, यदि टू होता तो द के बाद कंपेरेटिव करेक्ट होता, लेकिन जब प्लूरल लिखा हुआ है तो द आर्टिकल के बाद यूज किया जाएगा सुपरलेटिव का, तो सेंटेंस हो जाएगा विच ऑफ द गर्ल्स इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। एंड लास्ट है आपका माउंट एवरेस्ट इज द हायर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो सेंटेंस यहाँ पर मिस्टेक हुआ आपका डिग्री में, कंपेरेटिव में लिखा हुआ है लेकिन इसे बनाना होगा सुपरलेटिव में, क्योंकि द आर्टिकल के बाद नॉर्मली हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार आए हूँ चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।